हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज अपन एलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। देखिए, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस रूट 68 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्या है। ठीक है, तो देखो क्या है कि आपको इस इक्वेशन को इसमें बदलने का थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि सिंपल हो जाए। तो सिंपल कैसे होगी, आप इस पूरे में एक्स का भाग लगाइए लगाइए। तो देखिए, इसके अंदर मैं एक्स का भाग लगाता हूं तो एक्स आएगा माइनस रूट 68 आ जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू रूट 68। ठीक है, अब देखो क्या है, प्लस वाली फॉर्म अपने पास है और माइनस वाली पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, छोटी सी बात याद रखिएगा, ये तो क्या होता है, ये तो पी होता है बराबर में, तो क्या होगा कि रूट आपको याद रखना है रूट पी स्क्वायर, और अगर माइनस में जा रहे हैं, प्लस से माइनस में जा रहे हैं तो माइनस का 4, और अगर माइनस से प्लस में आएंगे तो प्लस 4, बस इतना सा। तो देखो क्या आंसर हो जाएगा, रूट लगा दीजिए पूरे पे, रूट 68 जो पी है इसका करेंगे अपन स्क्वायर माइनस 4, कितना हो जाएगा, ये 68 हो जाएगा, 68 में से 4 गया तो 64, तो रूट 64 क्या होता है दोस्तों, 8 होता है, तो इस वाले टर्म का आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट, कि एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एक्स वाई इज इक्वल टू 45, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होगी। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के आपको मैं दो मेथड बता सकता हूं, एक तो बहुत फटाफट कर लेंगे वैल्यू पुट से, और एक अपन करेंगे बेसिक से। तो देखिए, सबसे पहले छोटा सा तरीका देखिए, इस 45 को आप इस तरीके से तोड़िए, इस तरीके से तोड़िए कि घटाने पर 4 आ जाए। तो देखो, मैंने तोड़ा कि 9 × 5 45 आ गया, और 9 में से अगर मैं 4 घटाता हूं, सॉरी 9 में से अगर मैं 5 घटाता हूं तो भी 4 आता है, तो ये भी सेटिस्फाइड है। तो कुछ नहीं है, बस यहां पे रख दो 9, x की जगह रख दो 9, y की जगह रख दो 5, कितना हो जाएगा, 9 का क्यूब क्या होता है, ये याद होना चाहिए, 729 होता है, 5 का 125 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, इसमें आ जाएगा 406। ठीक है, बहुत जल्दी हो गया क्वेश्चन, लेकिन अगर देखिए आपको वैल्यू पुट से नहीं करना है, बेसिक से करना है, तो आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। फॉर्मूले से कैसे होगा, आइडेंटिटी आप सभी को याद है किस चीज की, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब याद है, क्या होती है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 एक्स वाई और एक्स माइनस वाई, यही होती है, बिल्कुल होती है। तो देखिए कुछ भी नहीं है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू 4 दी हुई है, तो इसको कर दो 4 का क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो पूछ ही रहा है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3, एक्स वाई की वैल्यू क्या है, 45 है। ठीक है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू भी रख दो 4 है, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब पूछ रहा है, वहीं रहने दो इसको, ये 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64, ये माइनस की संख्या इधर प्लस में आ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, देखिए आप 4 या 12, 12 को 45 से गुणा करो, 12 5 60 का 0, 6 12 4 48, 48 और 6 54, तो देखिए इससे क्या आने वाला है, इससे ही वही आएगा, 4 6 और 4 10 का 0 और 6 604, इससे भी आ गया, किसी भी तरीके से कर लीजिए, जो अच्छा लगे उससे कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्यादा बड़ा सेशन नहीं रखने वाले हैं अपन, टेंशन नहीं है, बहुत ही कम समय में और बहुत ही इफेक्टिव सेशन रहने वाला है। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 7a-4 अपॉन 7 सॉरी अपॉन a प्लस 7b-4 अपॉन b प्लस 7c-4 अपॉन c इज इक्वल टू 0। ठीक है, और पूछ रहा है कि बताइए 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c क्या होगा। देखिए आपको देखते ही पता चल गया होगा कि इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, मैंने एक छोटा सा वीडियो से बनाया हुआ है कि आपको a को इसके नीचे देना है, इसके नीचे भी देना है, क्योंकि दोनों के नीचे होता है। तो देखो a से ये कट जाएगा, बचेगा 7 माइनस ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन a, ये देखिए इधर b से भी कट गया 7, ठीक है ना, माइनस 4 अपॉन b, वो देखिए वहां पर 7 माइनस 4 अपॉन c इज इक्वल टू 0 तो है ही। तो देखो क्या हो रहा है,
4 अपॉन a 4 अपॉन b 4 अपॉन c, इसको एक तरफ रख लो और साथ ही 21 को एक तरफ रख लो, 7 7 7, ठीक है। तो 21 इज इक्वल टू 4 अपॉन a प्लस 4 अपॉन b प्लस 4 अपॉन c, लेकिन पूछ क्या रहा है 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c, तो 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c कितना हो जाएगा 21/4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 21/4। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अभी मैं लिख रहा हूं, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि a प्लस 2 अपॉन b इज इक्वल टू 1, b प्लस 1 अपॉन c इज इक्वल टू 2। तो पूछ रहा है अपन से कि abc माइनस 1 क्या होगा, आ गया ना बढ़िया क्वेश्चन, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए कुछ भी नहीं है इसमें, अपना थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना है आपको, डायरेक्ट सॉल्व करना है, सॉल्व कर लो। देखो इसको यहां से सॉल्व कर रहा हूं, तो ए बी प्लस 2 इज इक्वल टू बी, ठीक है। ये मैं फर्स्ट समीकरण मान लो, कुछ भी मान लो, देखो ये हो गया बी सी प्लस 1 इज इक्वल टू 2c, ये समीकरण 2 हो गया। यहां से सॉल्व किया, बस कुछ नहीं किया, ज्यादा सॉल्व किया है। अब देखो कुछ भी नहीं है, बी की वैल्यू अपने पास पड़ी है, ये रही, ये देखो b की वैल्यू क्या है, ab प्लस 2, इस b की जगह रख दो, बस b की जगह रख दो ab प्लस 2। c क्या है, c तो ऐसे किस रहने दो, प्लस 1 बराबर 2c, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो क्या हो जाएगा, गुणा कर लो abc प्लस 2c प्लस 1 इज इक्वल टू 2c। तो देखो 2c से 2c चलता बना, बराबर क्या आ गया, देखो abc बराबर माइनस का 1 आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, माइनस का 1। तो पूछ क्या रहा है, एबीसी माइनस 1 बताइए, तो क्या है भैया, कुछ भी नहीं है, एबीसी की जगह रख दो माइनस का 1, और यहां पे माइनस का 1 चल ही रहा है, समझ में आ रहा है, माइनस 1 माइनस का 2, क्लियर है क्वेश्चन। अब एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद अपन इस सेशन को वाइंड अप करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बहुत बड़ा आपका ये वीडियो बने। लास्ट क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a प्लस बी का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है और बार बार पूछा जा रहा है, 41 प्लस c स्क्वायर दिख रहा है साफ, ठीक है, और दिया हुआ है कि b प्लस c का स्क्वायर माइनस सॉरी बराबर में क्या दे रखा है, एक सेकेंड, 57 प्लस a स्क्वायर, ठीक है। एक चीज और दी हुई है कि c प्लस a का स्क्वायर इज इक्वल टू 46 प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, और पूछ रहा है, बहुत ही आसान पूछ रहा है कि आप बताइए कि a प्लस b प्लस c क्या होगा। आसान क्वेश्चन लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। देखिए मेरे साथ करिए कि a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, में यहां पे बुला रहा हूं इसको, है ना, देखो बुला लो एक बार, आ भी जाएगा ये कि a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 41 है ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो ये क्या हो गया, ये अपने आप में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। एक फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको रख लो, देखो ए प्लस बी सी के साथ है ना, और ए प्लस बी माइनस सी, किसी को कोई परेशानी नहीं है, बराबर में 41 चल रहा है, वैसा का वैसा यही हो जाएगा, बी प्लस सी का होल स्क्वायर है माइनस का ए स्क्वायर यहां पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वही वापस चलेगा। देखो क्या चलेगा, ऊपर देखो वहां पर बी प्लस सी प्लस ए और b प्लस सी माइनस ए बराबर 57। किसी को दिक्कत है कि ये वाला मैंने कैसे लिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सरसमीका खोल दी, ठीक है। अब देखो यहां पे आ जाओ, इस वाली में भी वही क्रिया दोहरा दो, क्या हो जाएगा, c प्लस ए प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा, c प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 46। यहां तक समझ में आ गया, कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं है, जो दिख रहा है ना वो है नहीं। देखो इन तीनों को एक बार आप जोड़ लो, एक बार जोड़ लोगे ना वहीं पे आपको दिख जाएगा कि क्या हो रहा है। देखो मैं जोड़ूंगा ना अगर, तो a प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी, ये आ गया कॉमन, इसको आप कॉमन ले लो, और इनको जब जोड़ोगे ना तो कुछ भी नहीं है। देखो एक सी से यहां से सी कट जाएगा, एक बी से यहां बी कट गया, और एक ए से यहां पे ए कट गया, तो बचा क्या, देखो ए प्लस बी प्लस सी यहां बचा, एक ए प्लस बी बी प्लस सी यहां बचा। सुनो देखो, 1 2 3 3 ए प्लस बी प्लस सी है, और यहां पर भी एक a प्लस बी प्लस सी है, यानी देखो कटने के बाद क्या बचेगा, देखो ये बचेगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी दो बार बचेगा, और बराबर इसको अगर मैं जोड़ता हूं तो 144 आता है। तो देखो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, इसी की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो देखो ये स्क्वायर है, वहां पर स्क्वायर चला जाएगा तो 12 इसका आंसर आ जाएगा,
इसका आंसर क्या हो गया 12। तो यही तो पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या है 12। तो देखिए मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, और नहीं आया हो ना तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा ले लूंगा। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन इसको एक बार और डिटेल में ले लेंगे अगर आपको नहीं आया हो तो। तो देखिए मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इसे शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।